हमें एक ब्लैक कलर के A4 साइज शीट को हाफ फोल्ड करना है। मैंने ये पीस बॉर्डर के लिए लिया है। जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है हम उसको कट कर लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से पेस्ट हो चुका। अब हम ये मोती इधर पेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने मोतीज को पेस्ट कर लिया है। अब हम सिंगल मोती यहाँ पे रैंडमली डालेंगे। अब हम इसके सेंटर पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। अब जो सेंटर है पहले हम कार्ड को खोल लेंगे, फिर जो सेंटर है उधर 4 कट लगाएंगे। मैंने इधर और इधर भी कट लगा लिया है। अब मैं इसे कट करूंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने सर्कल को कट कर लिया है। अब मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगा। पहले हमने एक स्क्वायर लिया है, उसे हम ट्रायंगल साइज में फोल्ड करेंगे हाफ हाफ। ये देखिए फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट से पेटल ड्रॉ करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है और मैं इसे अब कट कर। देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे खोलें। कितना बढ़िया शेप आया है, एक रियल फ्लावर जैसा दिख रहा है। अब मैं और एक स्क्वायर लेके उसे हाफ में फोल्ड कर, फिर से उसे हाफ में फोल्ड। अब मैं इसमें शेप ड्रॉ करूं। ये देखिए इसका जो शेप है ना वो इस तरफ से है। अब हम इसको कट करेंगे। अब मैं इसको ओपन करूंगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ्लावर। अब हम इसमें से एक पेटल कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने कैसे काटा है। अब हम इसे ओवरलैप करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको मोड़ेंगे। अब हम इसको भी मोड़ेंगे। ये फ्लावर को हम सेंटर में पेस्ट करें।
और जो ये पर्ल है उसको भी सेंटर में पेश कर लीजिए। ये देखिए हमारा फ्लावर कितना सुंदर दिख रहा है। ये जो फ्लावर्स है अब हम इसको ऐसे पेश करेंगे। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम यहाँ पे स्टिकर्स पेस्ट करेंगे। स्टिकर पेस्ट करने के बाद हम इसके सेंटर में हैप्पी न्यू ईयर लिख लेंगे। ये देखिए मैंने ग्लिटर पेन से हैप्पी न्यू ईयर लिख लिया है। हमारा कार्ड बनके रेडी है।